इधर से सर आप ये मैम के साथ एक साथ कर लीजिए मैम मीडिया वाले भाभी जी घर पे एयर कंडीशन करते हैं। सुभाष सर कहाँ गए? वो सबके फैन है, वो तो फैन है। हाँ सर, आप ही को इंतजार कर रहा था। नमस्कार, ये आपके जबरदस्त फैन है। आप पहचाने नहीं? सुभाष गोयल जी पहचानते नहीं आप? मैं तो टीवी में भूत देखता हूँ। सही बात है, ये बात सही है। कंफ्यूज हो गए कि मैंने कहाँ देखा है। I thought last time भी आया था मैं 3 साल पहले। जी जी जी। अभी मैं यहीं था। मुलाकात हुई थी। ऐसा लगा। ऐसा ही था, जवानी था मेरी। ये ऐसा लगा भी शायद ऐसा था। आपकी पहल लास्ट टाइम। सेंस ऑफ ह्यूमर। आज भाभी जी को नहीं लेके आए? लेके तो आओ भाभी जी, कितनी लेके आओ। दूसरी भाभी जी है। एक टाइम में एक ही लेके आता। कभी-कभी बीवी को लेके आना चाहिए, हमेशा भाभी जी पे लाइन नहीं मारनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? आपने सुना नहीं कि एक टाइम में एक ही को लाते हैं? ये एक्सेप्ट तो कर ही रहे ना। आपको ये बोलना चाहिए कौन सी वाली? लाल किला मैदान पर आज हमारे निमंत्रण पर हमारे मध्य में आसिफ शेख साहब, जो कि विभूति नारायण मिश्रा जी हैं, भाभी जी घर पर इस सीरियल के मशहूर कलाकार हैं, और दूसरे कलाकार हमारे बीच में हैं विदिशा जी, जो अनीता भाभी बनती हैं। आज हम दोनों कलाकारों का लव कुश रामला कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमेशा इनका प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, समय ये हमें देते हैं और हमारे बीच के अंदर आते हैं। लव कुश रामला कमेटी आज पूरी दुनिया के अंदर से यहाँ से लाइव जा रही है, और डीडी दूरदर्शन से भी लाइव है, ईश्वर चैनल से भी लाइव है, सिमरों के भी 300 चैनल से ऊपर यूट्यूब के ऊपर भी लाइव है। आज लव कुश रामला कमेटी चाहे कनाडा हो चाहे अमेरिका हो, वहाँ भी लाइव दिखाई जा रही है और आप भी लाइव जा रहे हैं। तो लव कुश रामला कमेटी ने प्रभु राम की सेवा का जो व्रत लिया हुआ है, हमारे पदाधिकारी चाहे हमारे भाई सुभाष गोयल जी हैं, भाई मेहरबान जी हैं, सत्यभूषण जैन जी हैं, सभी लोग मिलजुल कर लव कुश रामला कमेटी के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। मैं अपने साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे बीच में, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। और लव कुश रामला कमेटी के अंदर 22 फिल्म स्टार इस बार काम कर रहे हैं, जो मुंबई से आए, मेकअप वाले भी मुंबई से हैं, ड्रेस भी मुंबई से हैं, और स्टंट सीन करने वाले भी जो फिल्मों में स्टंट सीन करते हैं वो भी सब मुंबई से हैं। और इसके अलावा 250 कलाकार हमारे यहाँ लोकल भी हैं। तो इतनी बड़ी टीम यहाँ पर लव कुश रामला कमेटी के अंदर काम करती है, ये प्रभु राम की लीला है। हमारा तो सिर्फ एक ही मकसद है कि घर घर तक प्रभु राम का संदेश पहुँचे और आप हमारे बीच में आए। हम लव कुश रामला कमेटी की ओर से आपका स्वागत करते हैं। मैं चाहूँगा एक बड़ा जोरदार ताली बजाकर स्वागत।
मैं चाहूँगा मीडिया से आप मुखातिब हों और उसके बाद हम आपका स्वागत करें। देखिए ये मैं पहली बार नहीं आया हूँ लवकुश रामलीला में, ये मेरा दूसरी बार आना हुआ है। मैं एक बार 2019 में आया था और इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे। और ये सेकंड टाइम मुझे आने का सौभाग्य मिला है मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि इट्स लाइक अ कम्युनिटी, सब कम्युनिटी मिल के काम करते हैं और ये रेगुलर है और इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। एंड लास्ट टाइम इतना नहीं था, लेकिन जब इस टाइम आया हूँ तो चीज़ें पहले से बेहतर हैं। बॉम्बे से उन्होंने आर्टिस्ट मंगाए हैं, बॉम्बे से मेकअप आर्टिस्ट मंगाए हैं, स्टंट मैन मंगाए हैं। सो इट्स लाइक दे आर इम्प्रूविंग, दे प्रोग्रेसिंग। इस अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से कि लवकुश रामलीला कमेटी आज इतने बड़े मंच पे, इतने बड़े राम, भगवान राम का मैसेज हर जगह पहुँचा रहा है। इनफैक्ट इतने सारे चैनल्स पे और यूट्यूब इतनी जगह पे पहुँचा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और इतने बड़े मंच पे मैं आज पहली बार आई हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और देखने का सौभाग्य मिलेगा यहाँ पे कैसी रामलीला होती है। एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड फॉर दिस। रोहन शर्मा, जैसा कि बॉलीवुड के बहुत से सितारे और टीवी जगत के बहुत से सितारे एक लंबे समय से लवकुश रामलीला में परफॉर्म करते आ रहे हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभाते आ रहे हैं, तो क्या हमें आने वाले कुछ सालों में विभूति नारायण मिश्रा भी इस मंच पर कुछ भूमिका निभाते नजर आएंगे? बिल्कुल, अगर ये मुझे मौका देंगे जरूर करूंगा। ये बुलाए तो सही, मुझे जब भी बुलाते मैं आ तो जाता हूँ। देखिए हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले वक्त के अंदर लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर भी एक ऐसा किरदार निभाए जो यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब, बिल्कुल 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 है, यहाँ की प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है, उसका एक संदेश, बहुत बड़ा संदेश जो है पूरी दुनिया के अंदर जाए। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत खूबसूरत बात कही है, जिसमें आपका भी नाम होगा और हमारी कमेटी का भी नाम ऊपर। बेशक बेशक, तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो और आप अभी अनाउंस कर दो कि मैं अगले साल जरूर, मैं नेक्स्ट टाइम पे आऊंगा और जरूर गेस्ट से पहले, गेस्ट से पहले जरूर दूंगा आपको। बहुत शुक्रिया। दशहरा, परसों दशहरा है और इस विषय में दशहरे के ऊपर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लवकुश रामलीला के दर्शकों को? देखिए दशहरा है, दशहरा अपने आप में एक सिंबॉलिक है, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो मैं हमेशा यही चाहूँगी कि हमारे देश में जितनी भी बुराइयाँ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होता है, लोग अपने अंदर की बुराइयों को हमारे और अच्छाइयों की तरफ बढ़े। और बस दशहरे पे इससे ज़्यादा क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए दशहरा वैसे भी बुराई को समाप्त करता है, हम सिंबॉलिक तौर के ऊपर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुत्रों का भी दहन करते हैं। और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इस बार बाहुबली के अमरेंद्र बाहुबली इस बार लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर दशहरा पर्व के ऊपर होंगे और आसुरी शक्तियों के ऊपर तीर चलाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि दशहरा पर्व सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। और उसका मकसद भी यही है कि बुराई समाप्त होनी चाहिए और अच्छाई आनी चाहिए। ये हमेशा हर साल हमें याद कराती है कि हमें अच्छाई के साथ जीना चाहिए, अच्छाई के साथ काम करना चाहिए। श्री राम से बेटर कोई कैरेक्टर ही नहीं हो सकता। मतलब कहते ना कि ही इज एन आइडल मैन, श्री राम जी थे जो आइडल थे, उन्होंने हर चीज जिंदगी में ही ऑलवेज चोज द राइट ट्रैक, राइट पाथ। सो मैं समझता हूँ कि श्री राम से बेहतर कोई कैरेक्टर नहीं हो सकता। और आप भगवान भी हैं और हमारे कोशिश करते हैं कि उनके पच्चीनों पर चलने की कोशिश करें, जो उन्होंने अच्छाई की, जो उनकी गुडनेस थी वो उसको अपने में लाएं। तो आपने उनकी गुडनेस को अपने अंदर किस तरीके से रखा? देखिए जो उन्होंने अच्छाइयाँ की हैं, जो उनकी अप्रोच रही है टुवर्ड्स लाइफ, जिंदगी की तरफ जो उनकी अप्रोच रही है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं उनसे कुछ अच्छी चीज़ें लूँ और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँ। बिकॉज मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं बुरे लोग कम। सो आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ दोस। जिसके कैमरा जैसे थे वही आप नीचे आ जाओ भाई, पीछे वाले भी हैं। बेटा
नारायण साहब लॉर्ड सर लॉर्ड राम जी की कृपा बनी रहे आपके पास आप भी एक बार दिखा दीजिए सर ये सिंबॉलिक है एक बार इनको स्टेज पे भी ले जाके जो है ना इसी तरह सम्मानित करते हैं बिल्कुल इवेंट लेकिन हमने सिरे से लगाया हुआ इसको इनको तब तक जो है ना पुरानी दिल्ली के जो है मैं तो जब से आए दिल्ली तब से वेट कर रही हूं कुछ लेकिन पुरानी दिल्ली के खाने में खिलवाता हूं आपको एक फोटो कर लेंगे फाइव फिल्म्स आर देयर एंड नेटफ्लिक्स सीरीज इज ऑल लवली बट नाउ आई हैव काइंड ऑफ चेंज्ड माय लाइंस टुवर्ड्स इवेंट्स अच्छा नाउ यू थिंक आई विल एक्चुअली रेडी टू लाइक ऐसा कमा रहा हूं इस राइट एक बार जो फैन बन गए वो हमेशा फैन रहते हैं ये तो बात है ऐसी जब होती है बात है शॉर्ट लेना ले हमारे बीच में आ चुके हैं हम लव को सुनाना कम्युनिटी और स्वागत है।
आगे खड़े हो ना बड़े भाई, थोड़ा सा अर्जुन कुमार पीछे से प्लीज हट जाइए मैम, एक मोमेंटो देगा, थोड़ा सा हट जाइए मैम, मेंटल कराने का जिम्मेदार से थोड़ा छोटा देगा भाई, मैं कह रहा था प्लीज हट जाइए मेहरबान जी, सर 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 हमारे साइड से प्लीज साइड से, थैंक यू प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा कि भाभी जी भाभी जी आपकी मेरी नहीं अनिता भाभी जी मेरी मेरी भाभी जी जो अधिकारी है जो इनकी मछली जलाती है क्या जला दिया उनका स्वागत करेंगे चेयरमैन साहब जी सत्यनारायण सर आगे आ जाओगे गोला बड़ा बना लीजिए गोला बड़ा बना लीजिए कमरा मेरे साथ थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो सामने पब्लिक को देंगे तो यार अरे बेटा साइड में आओ साइड में अरे फोटोग्राफर साइड में आओ अजय भाई आ जाओ ये नीचे बैठ के कैमरामैन साहब सब नीचे बैठ के पड़ो यार हम भी दिल्ली के हैं ऐसा नहीं है आप लोग क्या करना चाहते भाभी जी तो घर पे रहते हैं घर के पास जाते ही नहीं मैं आप लोगों को चाहता हूँ अगर आप लोगों को बताया तो इसलिए मैं कलर बोलता हूँ आज का अच्छा लेकिन एक रोज क्या हुआ कि और बोला कि तुमने स्कॉलर नहीं बोला तो मैं अभी स्कॉलर नहीं बोलता उसको और कैसे नहीं बोलता रुकिए वो काम कर रहे अपना सर आप ऐसे कैसे हाथ लगा रहे हैं मत लगाइए नहीं वो काम कर रहे अपना पहले बोलता है कि अंदर से जो बोलिए गिर जाऊं क्या मैं नीचे गिरने के नहीं बोल रहा हाथ पर लेकर वो करने के लिए बोल रहा हूं चाय अच्छी नहीं बनानी चाहिए रोटियां कोल्ड नहीं मिलनी चाहिए क्यों पूछो क्यों आपका हाल बिल्कुल जैसा हो जाएगा हमेशा बनाना पड़ेगा एक बार अंदर आ जाइए बोलो हमेशा दिल्ली वालों आई लव यू Thank you.
हाँ वो भाभी के घर पे है। क्यों?